आज हम आपको बताएंगे डबल पाइप डालने वाली मोरी के बारे में, जो कि पिछली बार सिंगल पाइप डाल के जो मोरी बनाते वो बना के हमने दिखाई थी, और अब की बार दिखाते हैं जो वो होगी एक डबल पाइप, यानी नाक के ऊपर से डबल पाइप होंगी, इसके बारे में बताएंगे। पिछली बार की तरह ही वही 24 फुट की रस्सी लेनी, इसके अंदर भी अठारह और 24। इसमें क्या करना है, एक रस्सी अलग ले और इसके अंदर पाइप डालेंगी, ये एक पाइप ये डाल दी, और एक और इसी के अंदर एक साइड की रस्सी के अंदर ही दोनों पाइप डालेंगे, जो कि हम बताएंगे आपको। ये दोनों पाइप एक साइड में ही डालेंगे। अब लेते हैं दूसरा सिरा और दोनों सिरे मिला के ये गांठ लगाओ। ये हमारी गांठ लग गई, और वही यहाँ वाली कनड़ा जिसको ऊपर बंधने के लिए छोड़ते हैं, उसको कनड़ा बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। ये होता है करीब एक हाथ बोलते हैं, यानी करीब करीब 1.5 फुट। अब हमने लेनी है जिस साइड में ये पाइप डाल रखी वो रस्सी बार की साइड, इनको नजदीक ले आते हैं। ये ऐसे जिस तरह हम पहले एक रस्सी निकालते थे, इसी तरह ये डबल पाइप इसको इस साइड ले। ये देखो ऐसे आएगी, और ये कनड़े वाली जो छोड़ रखी है इसके और इसके बीच से गुजारनी है, ये वाली ऐसे, और जो ये वाली रस्सी है ये इसके और इस साइड वाली के ऊपर से ऐसे ऐसे। इस रस्सी को नीचे वाली को अंगूठा निकाल के और यहां से निकालना हमें, ऐसे ये हमारी गांठ लग के तैयार हो गई, और ये आएगी बार की साइड। इसकी लंबाई करीब एक ब्लैंथ यानी 9 या 10 इंच कम से कम हो, जो हमने ली है 9 या 10 इंच। इसको इस साइड पकड़ो, यानी इसको नीचे की तरफ कर दो, ये साइड आएगा, ये फिर होल आ गया, यानी ये बाहर की साइड होती है, ये पशु के अंदर की साइड आएगी, ताकि पशु को कोई परेशानी या दिक्कत या गड़ने की समस्या ना हो। और उसके बाद में फिर ले आप करीब करीब 6-7 इंच, जो ये नीचे गांठ लगेगी पशु के नीचे इसकी साइड में अलग से ही लगती है। इसमें से लेनी हमने नीचे वाली रस्सी आधे से ज़्यादा
निकालो और जो इस साइड वाली बचेगी इसका नाप लेना है इससे। इसके साथ इतनी लंबाई, यानी ये एक हाथ नहीं लेनी, इससे ज्यादा लेनी है। ऐसे आ जाएगी। जो ये गांठ हमने लगाई थी इसी तरह ये लगानी है। इसको अंगूठे के ऊपर से इन दोनों को साइड में रखते हुए बीच को निकालनी है और इनके इनके बीच को हम ये निकाल लेंगे। और ये लंबे वाली बचगी, इसको अंगूठे की जगह जो अंगूठा निकाल के यहाँ डाल लेंगे। ये गांठ लग के तैयार हो गई। ये ऐसे। अब यहाँ जो ये पाइप डल रखी है इस साइड, ये ऊपर वाला कनड़ा बनेगा जो कि हमने इसके ऊपर से ले जाना है। यहाँ पशु का मुंह आ जाएगा। ऐसे ध्यान से, यानी ये नीचे रहेगी और ये इसके ऊपर से आ जाएगी। ऐसे जितना फैसला इसका इतना फैसला इसका देना है। और जो ये रस्सी है इसको यहाँ से निकालो, अंदर की साइड से, यहाँ से। और जो ये हमारी साइड बच रही है ये इसके अंदर से निकल जाएगी। ऐसे ये मोरी बनके हमारी तैयार होगी। नाक के ऊपर से डबल दोनों रस्सियों के अंदर अलग अलग पाइप डाली गई है और इसको फिक्स वाली मोरी बोलते हैं, जो कि नीचे से कम या ज्यादा नहीं होती, फिक्स हो जाती है, न कम होगी न और ज्यादा होगी, ऐसे उड़ जाएगी। ये मोरी बनके कंप्लीट तैयार हो गई है। हाँ, इसके अंदर एक ध्यान रखो, जो पहले जो मोरी बनाई थी उनमें 24 फुट लगती थी, इसके अंदर 1.5 फुट ज़्यादा रस्सी लगेगी इस गांठ की वजह से, फिक्स होने के नाते। इसकी तो यहाँ से नीचे ही पेमास होगी और उनकी यहाँ से घूम जाती थी, ये सरक के यहाँ आ गई तो यहाँ से पेमास होती थी, इसकी पेमास यहाँ से होगी। और अगली वीडियो में हम दिखाएंगे, पिछली में एक पाइप थी इसमें दो थी, और आगे वाली वीडियो जो अगले वाले टाइम में डालेंगे उसके अंदर 4 पाइप डालेंगे अलग अलग से, जो कि इससे भी सुंदर लगेगी। धन्यवाद।